हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बासी दशहरे की राम राम करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो आज हम कंटेंट लेकर आए हैं वो काफ़ी मार्केट के अंदर डिमांडेबल प्रोडक्ट है और काफ़ी बढ़िया अप्रोच है टाटा की कि उसने इतनी सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ी डिज़ाइन की और वो भी इतनी, कहने का मतलब है, इतनी स्पेसियस और इतनी फ्यूल इफिशेंसी वाली गाड़ी, यानी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया टाटा ने। और बात करना चाहूँगा मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ टाटा हैरियर की। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री मोटर की ओर से टाटा हैरियर, जो कि 2019 मॉडल की गाड़ी है और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। और जैसा कि हमेशा की तरह बोलता हूँ कि श्री मोटर की गाड़ी है तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। फ्रंट बम्पर से रियर बम्पर तक अनटच गाड़ी है, एकदम मिंट कंडीशन की गाड़ी है। चारों टायर एकदम नए के नए रखे हुए हैं गाड़ी के अंदर और 82,000 किलोमीटर चली है, कंपनी रिकॉर्ड पे है गाड़ी पूरी। और फीचर्स की बात करें तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, यानी कि जितना अपन सोचेंगे उससे दो चार फीचर्स ज़्यादा ही मिलने वाले हैं गाड़ी के अंदर। तो फुल लोडेड मॉडल है, एग्जेट प्लस मॉडल है और कीमत जो है गाड़ी की वो भी बहुत अट्रैक्टिव रखी है हमने, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्क्राइब करूँगा क्या कीमत रखी है मैंने गाड़ी की। बाकी अभी अपन जो बात कर रहे हैं गाड़ी की, एक कंडीशन की बात कर रहे हैं और फ्रंट लुक की बात कर रहे हैं गाड़ी की, तो अपन देखते हैं सबसे पहले जो गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको क्या मिलने वाला है और इस चीज़ का क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले तो फ्रंट में आप देख सकते हैं गाड़ी का जो एंगल ऑफ अप्रोच है वो देख सकते हैं आप, गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, यानी कहने का मतलब आपका ऑफिस या आपकी साइड कहीं ऐसी जगह हो या आप खदान का काम करते हो तो उस हिसाब से भी इस गाड़ी को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका एंगल ऑफ अप्रोच काफ़ी बड़ा है। और गाड़ी का जो टायर साइज है वो भी 17 इंच का दिया हुआ है इसके अंदर, तो वो भी आपको बहुत हेवी टायर मिलने वाला है। साथ ही साथ देख सकते हैं आप इसमें फ्रंट में DRL दिए हैं, साथ ही साथ उसके साथ में प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प दिए हुए हैं, तो ये भी आपके वाइड एंगल को कवर करते हैं, तो रात में जब आपकी विजिबिलिटी होती है तो वो भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। और साथ में हनीकॉम टाटा की ये जो ग्रिल दी हुई है ये भी काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रदान करती है इस गाड़ी को, वो भी आप देख सकते हैं फ्रंट में काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है इसके अंदर। और अब अपन बात करते हैं गाड़ी की जो राइट प्रोफाइल है उसकी, तो राइट प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा है इस गाड़ी का, करीबन 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा होता है। और साथ ही साथ देख सकते हैं आप कि जो साइड में एक प्योर SUV वाला फील दिया हुआ है, जिसके अंदर आप डोर हैंडल में भी देख सकते हैं क्रोम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है इसके अंदर। और नीचे की अपन बात करें फुट स्ट्रिप की, तो वो पूरी ब्लैक के अंदर दी हुई है, यानी कि आप इसको मडी एरिया में या कहीं ऑफ रोडिंग पे भी यूज़ करते हैं तो गाड़ी के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत तरीके से इस्तेमाल की है। और रियर लुक की बात करें गाड़ी की, तो रियर लुक में भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया वर्क किया है इसके अंदर, यानी कि एक बोल सकते हैं कि एक इंडियन ब्रांड है बट उसको जो इन्होंने डिज़ाइन किया है वो एकदम बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं कि एक यूरोपियन डिज़ाइन दिया है गाड़ी के अंदर, काफ़ी बढ़िया लुक है इस गाड़ी का। देख सकते हैं आप जो लाइट दी हुई है इसके अंदर, टेल लैम्प एकदम बिल्कुल ईगल आई की तरह दिए हुए हैं, एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल एकदम बहुत ही विजिबिलिटी वाले दिए हुए हैं कि रात में जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जो रियर से जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी दिखने वाली है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये हैरियर की एम्बोसिंग भी इसके अंदर दी हुई है, काफ़ी बढ़िया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर देन रिवर्स कैमरा, ये सब चीज़ें इसमें इनबिल्ट है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डिफोगर भी दिया है, साथ में रियर वाइपर भी दिया है, तो ये सारी चीज़ें गाड़ी को बहुत ही कहने का मतलब एमिनिटीज़ है जो कि बहुत यूटिलिटी है, काफ़ी यूज़फुल है। और साथ ही साथ अब बात करेंगे अपन गाड़ी के इंटीरियर की और रियर सीटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम हैरियर आपके बीच में लेके आया हूँ तो मैं खुद भी फील करना चाहता हूँ कि वो बेसिकली उसका क्या सीटिंग कंफर्ट है और उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी की सीटिंग कम्फर्ट की, और जैसे ही मैं बैठा तो मन में एक ही चीज़ निकली कि यार वाह क्या बात है, यानी कि लाजवाब सीटिंग कंफर्ट है गाड़ी का। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, शोल्डर सपोर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर, और साथ ही साथ जो स्टेयरिंग दिया हुआ है वो भी एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का स्टेयरिंग दिया हुआ है जो कि काफ़ी कमांडिंग पोजीशन वाला है। आप चाहें तो आपकी जैसी सीटिंग कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वैसा सेट कर सकते हैं।
उसके साथ में गाड़ी के अंदर मैंने बताया जस्ट लाइक कि फीचर्स की तो बात ही मत करो, आप जो आप सोच रहे हो उससे दो चार फीचर्स ज़्यादा ही मिलेंगे। तो वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको इस गाड़ी के अंदर कि इसके अंदर जो है आप ऑफ रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए फ़ीचर्स दिया हुआ है, आप नॉर्मल सड़क पर गाड़ी चलाना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन दिया है, आप बारिश के समय गीली सड़क पर गाड़ी चलाते हैं उसके लिए ऑप्शन दिया है, उसके अलावा आप एकदम कीचड़ में या बिल्कुल गड्ढे में गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए भी इसके अंदर फीचर्स दिया हुआ है। यानी कि ये एडिशनल फीचर्स हैं जो कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी के अंदर कोई भी वेंडर अभी आपको नहीं दे पा रहा है, जो कि सिर्फ टाटा ही दे पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत यूनिक बनाती है इस गाड़ी को। साथ ही साथ स्टेयरिंग पे भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कीज़ हैं इस गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल से लेके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल और जो भी आपकी कमांड है वो आप यहीं से बैठे बैठे आप स्टेयरिंग के बटन से ही कमांड आपकी गाड़ी को दे सकते हैं आप। उसके साथ साथ GPS नेविगेशन वाला इनबिल्ट इसके अंदर ऑडियो सिस्टम दिया हुआ है, जो कि आपका क्लाइमेट कंट्रोल, AC का भी इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो आपको पूरा ही पूरा डिस्प्ले के अंदर ही शो करता है। साथ ही साथ जो टेक्नोमीटर दिया हुआ है इसके अंदर सेम ही दिया हुआ है, डिजिटल और मैनुअल दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसके अंदर। डिजिटल के अंदर आपको कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी के अंदर डीजल है, उसमें कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। अंदर की बात करें अपन तो गाड़ी के अंदर जो सीटें दी हुई है काफ़ी डिफरेंट सीटें दी हुई है, और कलर की बात करें अपन गाड़ी के सीटों की तो ये भी एकदम इटालियन कलर दिया हुआ है इसकी अपहोल्स्ट्री के अंदर। बहुत कहने का मतलब एकदम बोल सकता हूँ कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी की इसकी अंदर लेदर अपहोल्स्ट्री यूज़ की है टाटा ने, जो कि इस गाड़ी को अंदर से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। फ्रंट पे भी गाड़ी के अंदर जो है आपका वुडन फिनिश का इसके अंदर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है डैशबोर्ड में, जो कि एकदम इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर, और उन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मिलने वाली है वो है इस गाड़ी के अंदर, वो है आपकी सेफ्टी। सेफ्टी की बात करें अपन गाड़ी के अंदर दोस्तों, तो सेफ्टी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, जिसके साथ साथ आपको ABS EBD ये भी साथ साथ मिल रहा है। ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल रही है। उसके अलावा हिल होल्ड कंट्रोल, ऑफ रोड, ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल मिल रही है। सेफ्टी की बात जो मैं कर रहा था उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 6 तो आपको पिल्लर पे ही मिल रहे हैं, साथ में 2 डैशबोर्ड पे, ओवरऑल यानी कि 8 एयरबैग मिल रहे हैं आपकी, यानी कि आप कुछ भी गाड़ी चला लें आपकी जान से बड़ी नहीं होती है। तो वाकई में टाटा ने इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रख के इस गाड़ी को डिज़ाइन करा है, और होना भी चाहिए यार, टाटा तो पहचाना ही इसलिए जाता है। और साथ ही साथ जो गाड़ी के अंदर एक और जो अच्छी बात दी हुई है वो ये दी हुई है कि 2.0 लीटर का इसके अंदर डीजल इंजन दिया है, जिसको इन्होंने जो कॉम्बिनेशन के साथ सेट कराया है वो ये है कि 167 BHP का इसका पावर है, देन उसके बाद में 350 Nm का टॉर्क है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन सेट करा है 2.0 लीटर के इसके अंदर, क्रायोटेक इंजन यूज़ करा है कंपनी ने इसके अंदर, और जिसके अंदर गियर बॉक्स भी जो यूज़ करा है इन्होंने 6 forward 1 reverse, यानी कि 6 forward गियर मिल रहे हैं आपको गाड़ी के अंदर और 1 reverse, यानी कि आप एक प्योर SUV जिसको बोलते हैं अपन, उसका पूरा लुत्फ आप इस गाड़ी के अंदर उठा सकते हैं। और आपकी फैमिली के लिए इतनी स्पेस है इसके अंदर कि आप 1000, 2000, 3000 किलोमीटर भी आपको जाना है तो आप एकदम रिलैक्स मोड पर अपने फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हैं। तो ये मेरे को फ्रंट लुक बताया मैंने गाड़ी का, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। और अब अपन बात करेंगे रियर सीटिंग अरेंजमेंट की। रियर सीटिंग अरेंजमेंट तो वाकई में लाजवाब है यार, यानी कहने का मतलब मैं किसी गाड़ी से मैं कल तुलना नहीं कर रहा हूँ इस गाड़ी की, बट ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी SUV में बैठा मैं 5 seater, बट इसके जरिए का स्पेस मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा। यानी लिटरली बता रहा हूँ मैं, इतना ज़बरदस्त लेग रूम दिया है गाड़ी के अंदर, इतना ज़बरदस्त हेड रूम दिया है गाड़ी के अंदर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे यानी मेरे जरिए के हेवी पर्सनालिटी के लोग भी 3 आदमी इसमें कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, और आप सलंग 2000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाओ तो कोई इरिटेट नहीं होगा। इस चीज़ की मैं पूरी जवाबदारी लेने को तैयार हूँ। इतना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट, इतना सीटिंग कम्फर्ट मैंने नहीं देखा अभी तक किसी भी गाड़ी के अंदर, बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ
यानी इतने एमिनिटीज दी हुई है, यानी कि एक दरवाज़ा है छोटा सा, उस दरवाजे के अंदर भी उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से गाड़ी को डिस्क्राइब करा है कि आप आपकी पानी की बोतल, लाइक उसके बाद में आपको कोई मेडिसिन रखना हो आपकी, या जस्ट लाइक आपका हैंडल, यानी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है गाड़ी को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पीछे भी जो ऊपर की रूफ लाइट दी है वो भी काफ़ी ब्रॉड साइज़ की दी है, उसमें भी एडिशनल फीचर्स दिए हैं। और आर्मरेस्ट भी देख सकते हैं आप गाड़ी का, काफ़ी ब्रॉड साइज़ का दिया हुआ है, बहुत कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है, साथ में कप होल्डर भी दिया हुआ है इसके अंदर। और साथ में एक और जो अच्छी चीज़ है वो इस गाड़ी के अंदर कि फ्रंट रूफ एसी ना देते हुए गाड़ी के अंदर इन्होंने आपका पिल्लर एसी दिया है गाड़ी के अंदर, जो कि गाड़ी के टेम्परेचर को काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करता है। डायरेक्ट आपके सर पे हवा ना आते हुए बॉडी पे आपके आती है तो वो आपके टेम्परेचर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखती है। तो ये सब चीज़ों का अच्छा खासा ध्यान रखा है गाड़ी के अंदर। यानी कि आप सर्च कर रहे हैं कोई प्रीमियम गाड़ी 5 सीटर एसयूवी में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और कंपनी तो नई गाड़ी लेने जाओ तो काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए हम श्री मोटर आपके लिए हमेशा नई सरी की कंडीशन की पुरानी गाड़ी आपके लिए हमेशा अवेलेबल कराते हैं। तो अब अपन बाहर चलते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की और क्या नेगोशिएशन हो जाएगा इस। तो बात करी अपन ने गाड़ी के एक्सटीरियर की, गाड़ी के इंटीरियर की और क्या यूटिलिटी है गाड़ी की, इन सब विषय में अपन ने बात करी है। और अब फाइनली जो मैं आप से बात कहने वाला हूँ वो है गाड़ी के प्राइस के विषय में। तो मैं बता दूँ आपको सर कि ये जो गाड़ी है आपकी, ये है 2019 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, 82,000 किलोमीटर चली है। प्राइस हमने जो रखी है गाड़ी की मात्र 15,25,000 रुपये रखी है। नई गाड़ी का प्राइस मेरे ख्याल से 21 लाख रुपये का उस समय रहा होगा, और अभी जो हमने प्राइस रखी है 15,25, जो कि नेगोशिएबल है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, गाड़ी पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लाते रहेंगे। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम करता हूँ। और प्राइस नेगोशिएबल है जैसा कि मैंने बताया, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आइएगा, विजिट करिएगा श्री मोटर पे। आज के लिए इतने ही दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।